गुड मॉर्निंग किड्स एंड देयर पेरेंट्स. सो टुडेज आवर सेशन इज फॉर हिंदी क्लास फॉर यूकेजी. सो यूकेजी क्लास टुडे वी विल लर्न ऊ की मात्रा, छोटे ऊ, जिसको हम क्या बोलते हैं, छोटे ऊ. अब छोटा ऊ कैसा होता है? ऐसा होता है. और जो उसकी मात्रा होती है वो कैसी होती है? ऐसी होती है. और ये लगती कहाँ पे है? अक्षर के नीचे. ठीक है, जो ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा पड़ी वो कहाँ लगती थी? छोटी ई की मात्रा लगती थी अक्षर के पीछे, और बड़ी ई की मात्रा लगती थी अक्षर के आगे. ठीक है, जैसे कि आपको मैं एक बार रिवीजन दे देती हूँ. छोटे ई की मात्रा होती है वो लगती है पीछे, जैसे ये लगा है. ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा होती है जो कि आगे लगती है. ठीक है, अक्षर के पीछे लगने वाली छोटी ई की मात्रा, अक्षर के आगे लगने वाली बड़ी ई की मात्रा. ठीक है, और जो आज हमने पढ़ना है वो ऊ की मात्रा, तो वो कहाँ लगती है? जैसे क है, क के नीचे, तो ये हो जाता है हमारा ऊ की मात्रा. क्या होगी ये? ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा. ठीक है, अक्षर के नीचे. अब हमारे पास कुछ अक्षर हैं, उसके साथ हम मात्राएं लगा के देखेंगे, मात्रा लगा के. ठीक है, क, इस तरीके से क है, यहाँ पे हमने मात्रा लगा दी किसकी? ऊ की. तो क में जब ऊ की मात्रा लगी तो क्या बन जाएगा? ऊ. ठीक है, ऐसे ही हमने लिया दूसरा अक्षर ख. तो ख में जब हमने ये मात्रा लगाई तो ये क्या बन गया? खू. ठीक है, अब लिया हमने ग, तो ग में हमने मात्रा लगाई और इस तरीके से नीचे की तरफ लगेगी मात्रा. ठीक है, अक्षर के नीचे, तो ये क्या बन जाता है? घू. ठीक, ऐसे घ है हमारे पास, तो घ में लगाई तो क्या बन जाएगा? घू. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है च. अब च में जब हमने ये इस तरीके से मात्रा लगाई तो ये क्या बन जाएगा? चू. ठीक है, ऐसे ही हम जितने भी अक्षर लेंगे तो उसमें इसी तरीके से मात्रा लगा के देखेंगे, तो अक्षर के साथ किसकी आवाज आएगी? ऊ की मात्रा की, छू. ठीक, तो अब हमारे पास है बुक जो कि आपकी स्वर धाम है. ठीक है, स्वर धाम का पेज नंबर 1717 आप खोलेंगे और उसमें कुछ चित्र बने हुए हैं, तो उसमें देख के हम समझेंगे कि छोटे ऊ की मात्रा के शब्द कैसे लिखते हैं और कैसे बोले जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास मात्रा है वो ऊ की है, और सबसे पहले जो पिक्चर बनी है वो किसकी बनी है? गुलाब की. किसकी बनी है? गुलाब की. तो गुलाब उन्होंने लिखा कैसे है? ग, छोटे ऊ की मात्रा, ल, आ की मात्रा, ब, गुलाब, गुलाब. ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे हम एक बार देख लेते हैं. ग, छोटे ऊ की मात्रा, ल, आ की मात्रा, ब, गुलाब. ठीक है, इसमें हमें ऊ की मात्रा की आवाज़ भी आई और आ की मात्रा की आवाज़ भी आई. जब भी हम अक्षर के साथ ऊ की मात्रा लिखेंगे तो अक्षर के साथ किसकी आवाज़ आएगी? ऊ की आवाज़ आएगी. अकेला ग नहीं रहेगा, फिर क्या हो गया? ऊ की आवाज़ भी आएगी, तो क्या बन जाएगा? गुलाब. ल में आ की आवाज़ आ गई, ला, गुलाब. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कौन बनी हुई है? एक गुड़िया. तो इसमें भी कौन सी मात्रा है? ऊ की, जो कि लाल कलर से है. ठीक है, गुड़िया. फिर है मुनी, छुरी, चूहिया, कुटिया, फुटबॉल. ठीक है, तो अब जो है हम दो अक्षर वाले इनके शब्द पढ़ेंगे पहले, तो कुछ देख लेते हैं कौन कौन से हैं और लिखेंगे भी. क, ऊ की मात्रा, ल, कुल. प, ऊ की मात्रा, ल, पुल. ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास ख, छोटी ऊ की मात्रा, ल, आ की मात्रा, खुला. क्या है? खुला.
का। आवाज कैसे आ रही है, ख की आ रही है या ऊ के साथ आ रही है? तो ख की ख के साथ ऊ की मात्रा की आवाज आ रही है, खुला, ठीक है। और लग में आ की मात्रा है तो आ, ल आ ला, खुला, ठीक है। इसी तरीके से धुला, सोला, रुई, सुई। अब रुई, रुई में देखना है मात्रा कैसे लगेगी। अब ये है र, इसमें हम नीचे नहीं लगाएंगे मात्रा, ठीक है। जो इसका पेट यानी कि यहाँ पे इसकी मात्रा लगेगी, ठीक है। रु ई ची, इस तरीके से लिखेंगे। र में कभी भी नीचे मात्रा नहीं आएगी, हमेशा बिल्कुल उसके टमी में यानी कि उसके पेट में लगाएंगे, बीच में, ठीक है। रुई। फिर आता है आपका जुड़ी, बुरी। अब है हमारे पास तीन अक्षर वाले शब्द, गुड़िया, जैसे अभी गुलाब पड़ा था वो भी क्या था, तीन अक्षर के शब्द। तो गुड़िया, पुड़िया, बुड़िया, कुटिया, चुटिया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है चार अक्षर वाले शब्द। तो चार अक्षर वाले शब्द जो हैं वो कौन कौन से हैं, अभी हमने पिक्चर में पढ़ा था, फुटबॉल, बुलबुल, चुपचाप, सुनहरी, झुनझुना, चुटकुला, गुजरात, फुलवारी, मुसाफिर, ससुराल, गुमसुम, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, ऊ की मात्रा के शब्द। और कौन से ऊ की मात्रा के शब्द हैं, छोटे ऊ की मात्रा के। तो आपने कितने शब्द लिखने हैं, 20, यानी कि 20 शब्द आप ऊ की मात्रा के लिखेंगे। तो आज के लिए हमारा सेशन इतना रहता है। थैंक यू क्लास।